उत्तर प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के लगभग हर हिस्से में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन आज कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद हालात जो हैं और बिगड़ गए हैं, क्योंकि लगातार कल से बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि बारिश किस कदर लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। पहली तस्वीर लखीमपुर से, दूसरी मेरठ से, तीसरी फिरोजाबाद से, चौथी बांदा से, पांचवी औरैया से और छठी तस्वीर बहराइच से है। हर जगह आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा और लोगों की बेबसी नजर आ रही होगी, क्योंकि सड़कें तो गायब हो गई हैं। अब सड़कें गायब होने के साथ ही साथ लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। तो हमने आपको 6 तस्वीरें दिखाई, अब आपको ताजा हालात दिखाते हैं वाराणसी का। संवाददाता नीतीश से जानते हैं कि कैसे आसमानी आफत जमीन पर मुसीबत बन रही है, लगातार कितना खतरा बढ़ रहा है वाराणसी और उसके आसपास। नीतीश, हम बाकी जगहों की तस्वीरें तो लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन बनारस के ताजा हाल क्या है? कितना गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और कितना खतरा मंडरा रहा है, ये जरा बताइए। आपको बता दें कि प्रति 3 घंटे में 1 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और इस वक्त हम गंगा घाट पे ही खड़े हैं। आप देखिए, घाटों का आपसी संपर्क मार्ग बाधित हो चुका है और गंगा का जो जलस्तर है वो घाट की सीढ़ियों के ऊपर लगातार बढ़ता हुआ। किनारे पर दहशत है, नावें शांत हैं, जो पुरोहित हैं वो अपनी ठौर कहीं ऊपर खोज रहे हैं कि कब कहाँ कितनी तेजी से जलस्तर में बढ़ोतरी होगी, ये अभी किसी को अंदाजा नहीं है। जब बारिश की बात कर लें तो यहाँ पर कल दिन भर तो हल्की बारिश रही, बूंदाबांदी होती रही, लेकिन अगर एक दो दिन पहले की बात करें तो बनारस में जबरदस्त बारिश हुई थी, सड़कें तालाब बन गई थी, लोगों के घरों में थानों में पानी घुस गया था, स्थिति भयावह हो गई थी। और अभी भी जो काले बादल हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि पूरे दिन में एक बार दो बार भारी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है। आपको बता दें कि बारिश को लेकर, बाढ़ को लेकर प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं, दावे तो बड़े बड़े हैं, स्थिति यह है कि बाढ़ राहत चौकियों को तैनात यहां पे अलर्ट कर दिया गया है, इसके साथ ही एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है, जो प्राइवेट नावें हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि जैसे ही बाढ़ की स्थिति भयावह होती है आप तुरंत गंगा की सहायक नदी जो वरुणा का तट है वहां पर भी स्थिति भयावह हो जाती है गंगा के जलस्तर बढ़ने से, तो वहां तुरंत कूच कर जाएं। इसके साथ ही बाढ़ राहत कैंप बनाए गए हैं, कैंप में दवा और डॉक्टर की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है, लेकिन अब इंतजाम कितने जमीन पर उतरते हैं ये भविष्य में देखने वाली बात होगी, क्योंकि दावे हर साल होते हैं और कमियां भी हर साल देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बनारस में जो 84 घाट है, 84 घाटों के किनारे जो रहने वाले लोग हैं वो घाट से घाट यात्रा करते हैं, घाट से घाट पैदल चले जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जबकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, घाटों का कई घाटों का आपसी संपर्क मार्ग बाधित है, तो लोग परेशान होते दिखाई दे रहे हैं और किसी को भी कहीं से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यह बनारस की बात है, इसके साथ ही अगर मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया और अन्य जिलों की बात कर लें तो वहां पर भी इसी तरह के हालात हैं, बारिश से जल जमाव की स्थिति है और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोग जरूर दहशत में होंगे। और जिस तरीके से गंगा का रौद्र रूप है, जिस तरीके से घाटों का संपर्क टूटा है, वाकई में प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो जरूर होनी चाहिए। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमने आपको वाराणसी और बाकी जगहों पर मंडराते खतरे से आगाह किया, अब आपको दिखाते हैं पूरे प्रदेश का हाल कि आखिर कहां कहां है बेहाली। इस रिपोर्ट में देखिए, बाढ़, बारिश और बर्बादी की ये तस्वीरें वैसे तो मौजूदा हाल की कहानी है और हर साल ही इससे निपटने के उपाय भी खूब सोचे जाते हैं, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। बाढ़ और बाढ़ से बर्बादी बदस्तूर जारी है। सबसे पहले देखिए लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का उफान। सदर तहसील के फूलबेहड़ इलाके के बेड़ा गांव, खगई पूर्वा सहित दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहे हैं और खाने पीने की दुश्वारियां भी बढ़ी।
उधर वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा की धारा यहां घाटों की सीढ़ियों के ऊपर आ चुकी है। कई घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। आरती देखने का वीआईपी मंच जलमग्न है और अब परेशानियां भी बढ़ने लगी। वाराणसी में मोक्षदायिनी का उफान जारी है। आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जलस्तर की बढ़ोतरी हो रही है और लगातार ये गंगा का जल घाट की सीढ़ियों के ऊपर अब बढ़ता हुआ। आप देखिए कई घाटों का आपसी संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है। आप देख सकते हैं इन घाटों से चलकर कोई भी जो व्यक्ति है वो घाट से घाट होकर दूसरे घाट तक जा सकता था, लेकिन गंगा के जलस्तर की बढ़ोतरी की वजह से पूरी तरह से इन घाटों का आपसी संपर्क मार्ग बाधित हो गया है और अब गंगा घाट की सीढ़ियों के ऊपर की ओर बढ़ती हुई। आपको बता दें कि प्रशासन बाढ़ के मद्देनज़र पुख्ता इंतजामों के दावे कर रहा है। स्थिति यह है कि अगर प्रशासनिक दावों पर गौर कर लें तो बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है, NDRF की तैनाती कर दी गई है और इसके साथ ही जो बाढ़ राहत कैंप हैं वहाँ पर पूरी सतर्कता के साथ अलर्ट मोड पर अधिकारियों को रख दिया गया है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर की वजह से पक्के घाट और संगम किनारे जाने वाले रास्ते अब डूबने लगे हैं। लोगों में चिंता बढ़ने लगी। दरअसल उत्तराखंड से गंगा में और मध्य प्रदेश में यमुना की सहायक नदियों में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते यहाँ हालात काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। बात गाजीपुर की करें तो यहाँ गंगा के साथ ही अन्य छोटी नदियां भी बहती जिनमें इन दिनों लगातार पानी बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी ने खेतों में लगी फसलों को लील लिया है। किसान परेशान हो गए। प्रतिदिन 1 फुट बढ़ रहा है। बाढ़ आने में ऐसा ही बढ़ाव रहेगा तो 15 दिन में 10 दिन में बोर देगा सब। ग्रामीण इलाके में सारी फसल डूब गई, खरीफ डूब गई, बहुत दिक्कतें आती हैं, जानवर का चारा सब मरा जाता है। उधर उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से और भी बुरा हाल। गांव के गांव में लोगों की जिंदगी खतरे में। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। लोगों की परेशानी ये कि ऐसे हालात में आखिर जाएं तो जाएं कहां। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।